ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। एक तरफ जहां वाराणसी कोर्ट में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका समेत सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जो 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष के द्वारा इंक्लूडिंग यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा दाखिल किए गए थे, उन सब को खारिज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और यह कहा गया कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 दाखिल किया गया था, वह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा। यह भी कहा है कि यह इतने वर्षों से केस जो है वह पेंडिंग है, 1991 से काफी समय व्यतीत हो चुका है। यह जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को 5 जुलाई में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। कुल 5 याचिकाओं में से 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ थीं। 2 याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी, जबकि 3 याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी। इन सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के मामले में ये नियम आड़े नहीं आता है, क्योंकि 1991 में सर्वे हुआ था, इसलिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी। अब 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।